पारशुनी नगर के प्रभागों में पीने के पानी की किल्लत निर्माण होने से यहाँ के निवासियों को चिलचिलाती धूप में पानी के लिए बोरवेल या इधर उधर से पानी लाना पड़ रहा है। पिछले 4-5 दिनों से नगर पंचायत के नलों में पानी नहीं आने से पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के निवासी परेशानी झेल रहे हैं। महिलाओं को चिलचिलाती धूप में पानी के लिए दर भर भटकना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देने से नगर सेवकों के खिलाफ जनता में रोष दिखाई दिया। वहीं नगर पंचायत प्रशासन भी यहाँ के लोगों को पानी उपलब्ध करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। इस समस्या को हल करने और पीने के पानी को लोगों के घर तक पहुँचाने में नगर पंचायत प्रशासन नाकाम होते दिखाई दे रही है। 4 दिन बीत जाने के पश्चात कभी कभार एक आध बार पानी का टैंकर इस प्रभाग में भेजा जा रहा है, जहां कुछ ही परिवार को थोड़ा बहुत पानी मिलता है, जबकि पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से यहां के निवासियों में नगर सेवकों के खिलाफ भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी पीने का पानी प्रशासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराने से नगर वासियों में प्रशासन के खिलाफ रोष पनपता जा रहा है। इसलिए प्रशासन ने समय रहते यहां के लोगों के घरों में पानी पहुंचाने के लिए पुख्ता इंतजाम करना जरूरी है। 4 दिवसापासून पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही। नगर पंचायत प्रशासनाने येथील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले नसल्याने येथील नागरिकांना अतोनात त्रास होत आहे। त्यांना या उन्हातानामध्ये बोरवेलवर जाऊन पाणी उपसावं लागतं, त्यामुळे येथील नागरिक पाण्यासाठी हाहाकार करत आहे। तरीही येथील नगरसेवक असो किंवा नगर पंचायत असो हे कुठल्याही प्रकारचे लक्ष देत नसल्याने आज येथील नागरिकांवर उन्हातानात जाऊन पाणी भरण्याची वेळ आली आहे। आपण येथे आम्हाला असलेले एक नागरिक यांच्यासोबत बोलूया आणि त्यांना प्रश्न विचारूया की केव्हापासून नळ येत नाही। बाबूजी आप बताइए कितने दिन से आपण नळ नाही आले और क्या प्रॉब्लम हो रही है? 4 से 5 दिन हो गए साहब, नल आ रहे नहीं है। साथों साथ बहुत परेशानी हो रही है और बोरिंग भी कई दिनों से बंद है, वार्ड की दोनों भी बोरिंग है। हुसन बाबू यांनी वारंवार तक्रारी करून सुद्धा आणि पाण्याबाबत प्रशासनाला कळवलं की पाणी आहे नाही, पाणी पिण्याचं पाणी उपलब्ध करून द्या, पण तरीही नगर पंचायत प्रशासन कुठल्याही प्रकारचे लक्ष देत नसल्याने आज हे येथील नागरिक नगर पंचायतवर धडक देण्याच्या तयारीत आहे आणि नगरसेवकाविरुद्ध मोठी चीड निर्माण झालेली आहे असं इथं वातावरण दिसून येत आहे। BCN न्यूज के लिए पारशिवनी से संवाददाता की रिपोर्ट।